हेलो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो शुरू होने से पहले आपको एक चीज बताना चाहते हैं। पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, पर अक्सर लोग अपने आप को एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के रूप में जानना पसंद करते हैं। वैसे तो आमतौर पर फोटोग्राफी कोर्स को ख़त्म करने के बाद हर कोई अपना लक्ष्य निर्धारित करता है और अपने मनचाही नौकरी करता है ना? लेकिन जब फोटोग्राफी में नौकरी करने की बात आती है, वे असफल हो जाते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों फोटोग्राफी में एक सही नौकरी नहीं पाते? तो चलिए आज हम यहाँ जानेंगे कि फोटोग्राफी में जॉब्स या नौकरी पाने की सबसे आसान और प्रभावशाली तकनीक के बारे में। जानना चाहते हो कि ये रणनीति क्या है? तो चलिए देखते हैं। क्रिएटिव हर चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। एक ऐसा विशेष मंच जहां आप पाएंगे फोटोग्राफी के बारे में अधिक जानकारी। इस वीडियो में हम आपको फोटोग्राफी नौकरी पाने का तरीका, विशेष रूप से आपको FPRP की रणनीति से परिचित करवाएंगे। FPRP एक बहुत ही सरल और अभी तक का प्रभावशाली तकनीक है। दुनिया भर में इस रणनीति को मानते और अपनाते भी है। फोटोग्राफी में विभिन्न प्रकार की नौकरियां उपलब्ध हैं। दुनिया भर में ऐसी कई कंपनियां हैं जो ये अवसर प्रदान करते हैं। इंटरव्यूज के दौरान कंपनियां हुनर, काबिल और योग्य उम्मीदवारों को फोटोग्राफी की नौकरी प्रदान करते हैं। तो अपने हुनर को साबित करने के लिए आपको लागू करना होता है 4 सबसे प्रभावशाली तत्व, ताकि आप फोटोग्राफी नौकरी पाने में सफल हो। तो पहला तत्व, फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि औपचारिक शिक्षा। किसी भी तरह की नौकरी के लिए आमतौर पर औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से जब आप एक फोटोग्राफी करियर के लिए योजना बना रहे हैं, तो कम से कम 12वीं या डिग्री की औपचारिक शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसे उम्मीदवारों को भी नियुक्त करते हैं जिनकी शिक्षा केवल 10वीं होती है। फोटोग्राफी में अच्छे संचार की कौशल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसलिए कम से कम आपको औपचारिक शिक्षा पूरी कर लेनी चाहिए। दूसरा तत्व, फोटोग्राफी एजुकेशन, यानी कि फोटोग्राफी शिक्षा। बिना किसी संदेह के जब आप फोटोग्राफी में नौकरी पाना चाहते हैं, तो तब आपको एक उचित फोटोग्राफी शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है। आपको कैमरा, लाइटिंग, एडिटिंग, DSLR वीडियोग्राफी और वीडियो एडिटिंग का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे में 3 वर्ष, 2 वर्ष या 1 वर्ष की फोटोग्राफी कोर्स अपनाकर फोटोग्राफी में शिक्षा प्राप्त करें। तीसरा तत्व, रेज्यूम प्रिपरेशन, यानी कि रेज्यूम तैयार करें। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि क्यों एक कंपनी में रेज्यूम इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कंपनी को यह नहीं मालूम कि आप कौन हो और क्या करते हो, लेकिन हमारा एक रेज्यूम इस बात को गवाह कर देता है। आप अपने रिज्यूम को 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले हिस्से में होना चाहिए आपके खुद के बारे में। दूसरे विभाग में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दें, जैसे कि आपका नंबर, मेल आईडी, सोशल वेबसाइट लिंक आदि शामिल करें। तीसरे भाग में आपकी शिक्षा को शामिल करें। चौथे भाग में शामिल करें आपके अब तक के कार्य के अनुभवों को। और 5वें भाग में आपके व्यक्तिगत कौशल का उल्लेख करें। इससे हमारा रिज्यूम ना सिर्फ आकर्षित बनेगा बल्कि प्रभावशाली भी। अब आते हैं अंतिम और महत्वपूर्ण तत्व की ओर। चौथा तत्व, पोर्टफोलियो प्रिपरेशन, यानी कि एक पोर्टफोलियो तैयार करें। आमतौर पर कंपनियां मल्टी टैलेंटेड उम्मीदवारों की तलाश करते हैं, इसलिए एक पोर्टफोलियो होना चाहिए जो हमारी फोटोग्राफी की विभिन्न प्रतिभा को प्रदर्शित कर सके। एक फोटोग्राफर के रूप में निश्चित रूप से 2 प्रकार का पोर्टफोलियो होना चाहिए, अर्थात प्रिंटिंग और डिजिटल के रूप में। प्रिंटिंग पोर्टफोलियो का मतलब है कि आप अपने सर्वश्रेष्ठ और प्रमुख फोटोग्राफी कार्यों को एक पुस्तक के रूप में तैयार करें, और डिजिटल पोर्टफोलियो का मतलब है कि आपको अपने क्लाइंट्स, इंटरव्यूअर्स और अन्य लोगों को अपना काम दिखाने के लिए कुछ ऑनलाइन लिंक के साथ तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस डिजिटल दुनिया में फोटोग्राफर को भी ऑनलाइन और डिजिटल तकनीकों को अपनाना है।
अब यदि आप इस FPRP रणनीति के साथ तैयार हैं, हाँ सही सुना आपने, FPRP, फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा, फोटोग्राफी एजुकेशन यानी कि फोटोग्राफी शिक्षा, रेज्यूम प्रिपरेशन यानी कि रेज्यूम तैयार करें, और पोर्टफोलियो प्रिपरेशन यानी कि पोर्टफोलियो तैयार करें। तो फिर आप भी तैयार हो जाइए फोटोग्राफी की मनचाही कंपनियों में इंटरव्यू के अवसर के लिए और फोटोग्राफी में नौकरी के लिए। फोटोग्राफी पर अधिक जानकारी के साथ हम फिर लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल क्रिएटिव हट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। अगर आपको फोटोग्राफी कोर्स और उसके स्पेशलाइजेशंस के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट www.creativehut.org में देख सकते हैं। फोटोग्राफी के आर्टिकल्स, टिप्स, ट्रिक्स, पोर्टफोलियो और भी बहुत कुछ जान सकते हैं आप फोटोग्राफी के बारे में हमारे ब्लॉग www.creativehuts.com में। लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलने तक खुश रहे और स्वस्थ रहे। अलविदा।